कितना सुहाना मौसम है। जंगल के सारे पक्षियों को अपने अपने जीवन साथी मिल गए हैं। पता नहीं मुझे मेरा जीवन साथी कब मिलेगा। भांडिर वन के जंगल में कालू कौवा बिना किसी जीवन साथी के हमेशा उदास रहता था। उसके दोस्त टुनटुनी चिड़िया, तोता, बंटी कबूतर और मीरा मोर भी उसकी शादी के लिए परेशान रहते थे। डोंट वरी माई डियर फ्रेंड कालू, तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी बहुत जल्दी मिल जाएगा। धीरज रखो, धीरज का फल बहुत ज्यादा ही स्वीट होता है। तुम्हारा पंखों की चमक कम हो गई है, मेरी तो सलाह यह है कि थोड़ा मूंगफली खाओ, उससे तुम्हारे पंखों में चमक आएगी और कोई ना कोई कौवी तुमसे शादी कर लेगी। मुझे तो लगता है कालू की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे जल्द ही कोई ना कोई कौवी मिल ही जाएगी। वैसे भी हमारा दोस्त बहुत सुंदर है। कुछ ही दिनों बाद जंगल में सुंदरी नाम की कौवी आती है और कालू कौवे की शादी सुंदरी से हो जाती है। सुंदरी कौवी बहुत ही अमीर कौवी थी। सुंदरी के पैसे से कालू कौवा भी अब जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन गया था। सुनिए जी, मेरे गहने अब पुराने हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरे जंगल जाकर मेरे लिए नए गहने बनवा कर लाएं। पैसे के घमंड में चूर कालू कौवा अपने दोस्तों से अब दूर रहने लगा था। कालू कौवा शादी के बाद बहुत बदल गया है। जब से उसकी शादी सुंदरी से हुई है, वह तो हमसे मिलने आता ही नहीं है। अरे पगला, अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई है, वह हमसे मिलने जरूर आएगा, थोड़ा धीरज रखो। जंगल में और भी पक्षियों की शादी हुई है, लेकिन वह तो सब आपस में मिलते हैं और अपने दोस्तों के साथ समय भी बिताते हैं, लेकिन कालू ने हमें बुला दिया है। दोस्तों, हमें कालू को कुछ समय देना चाहिए, कुछ दिनों बाद वह हमारे पास जरूर आ जाएगा। सुनिए जी, मेरे गहने अब पुराने हो गए हैं। मैंने कुछ नए गहने खरीद कर दूर जंगल में अपने दोस्त गोरी कौवी के पास गहने रखे हैं। क्या आप वे गहने मेरे लिए ला सकते हैं? सुंदरी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, मैं अभी गया और अभी आया। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे जंगल पहुँच कर कालू कौवा गोरी कौवी को ढूंढता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवे को गोरी कौवी दिखाई देती है। गोरी कौवी बहुत ही सुंदर कौवी थी। उसे देखकर कालू कौवा मोहित हो जाता है। आप ही गोरी कौवी हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं। धन्यवाद कौवे जी, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं तो भूल ही गया मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मुझे तो बस एक ही बात समझ में आ रही है कि मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूँ। मुझसे शादी करने में एक बहुत बड़ा खतरा है कालू जी। मैं किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हूँ। मुझसे शादी करने वाला पक्षी शादी के बाद यदि अपना चेहरा आईने में देखेगा तो वो मेंढक बन जाएगा। बस इतनी सी बात, मैं अपने घोंसले के सारे आईने निकाल कर फेंक दूंगा, तुम बस मुझसे शादी कर लो। कालू कौवा गोरी कौवी से शादी करके उसे अपने घोंसले ले आता है। हे भगवान, शादी के बाद मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ऐसे धोखेबाज कौवे के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। सुंदरी घोंसला छोड़कर चली जाती है। अरे पहले तो इस कौवे की शादी नहीं हो रही थी, अब देखो इस कालू की तो लाइन से शादियाँ हो रही हैं। तुम पक्षी मेरी किस्मत से चलते हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो। मैं चला यहाँ से, अब मेरे पास मत आना। कालू कौवा अपने घोंसले से सारे आईने निकाल कर फेंक देता है। अच्छा हुआ यहाँ घोंसला छोड़ कर चली गई, अब घर के सारे आईने निकालना और आसान हो जाएगा, और इसके मेकअप का सामान भी। कालू जी, मेरी एक इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करोगे? गोरी, मैं तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए जान की बाजी लगा सकता हूँ, जरा कह करके तो देखो गोरी। यहाँ से कुछ दूर किसी जंगल में गुलाबी अंगूर मिलते हैं, क्या वह अंगूर आप मेरे लिए ला सकते हो? बस इतनी सी बात, देखो मैं अभी गया और अभी आया। कालू कौवा दूर किसी जंगल में गुलाबी अंगूर ढूंढता है, लेकिन उसे वह गुलाबी अंगूर नहीं मिलते। कालू कौवा थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गुलाबी अंगूर ढूंढते ढूंढते तो मैं प्यास से तड़प गया, पहले मुझे पानी पीना चाहिए, उसके बाद मैं गुलाबी अंगूर ढूंढ लूंगा।
कालू कौवा एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। वाह पानी, कोई मुझसे पूछे तो मैं अभी यही कहूँगा कि पानी से कीमती चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। आज मैं जी भर के पानी पीऊँगा। लेकिन जैसे ही कालू कौवा पानी पीने के लिए तालाब में मुँह डालता है, उसे अपनी परछाई तालाब के पानी में दिखाई देती है और वह मेंढक बन जाता है। यह शिकार तो बहुत आसान था गोरी। बेचारा कौवा मेंढक बन गया। अब चलो अपना अगला शिकार ढूंढते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान को हमेशा याद रखना चाहिए। ज्ञान भूल जाने पर हमारी हालत मेंढक जैसी हो जाती है। एक समय की बात है, नंदन वन में दो पुलिस वाले कालू कौवा और बंटी कबूतर रहते थे। दोनों पुलिस वाले कैदी चिड़ियाओं को पकड़कर जंगल में शांति बनाने का काम करते थे। बंटी भाई, जब तक तुम मेरे साथ हो, नंदन वन का कोई भी मुजरिम हमसे बच नहीं सकता। हमने अब तक एक एक बदमाश पक्षी को पकड़कर जेल में डाल दिया है। अरे कालू भाई, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारे तेज दिमाग के कारण ही हम बड़े बड़े केस चुटकियों में सुलझा लेते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा याराना, याद रखी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर का किसी और जंगल में ट्रांसफर हो जाता है। यार तुझे मैं बहुत मिस करूंगा। तेरे साथ बदमाश पक्षियों को पकड़ना बाएं पंख का खेल था। चिंता मत कर भाई, कुछ ही महीनों में मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। और मुझे पता है तू अभी भी बदमाशों को पकड़ कर जेल में डालेगा। तू अकेला ही उन बदमाश पक्षियों के लिए काफी है। इतना कहकर बंटी कबूतर नंदन वन छोड़कर किसी और जंगल में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे ने हमें बहुत परेशान किया है। काश हमें एक मौका मिल जाए तो हम उसका काम तमाम कर दें। सुना है कि उसका साथी बंटी कबूतर उसका ट्रांसफर मैंने नेता से सिफारिश करके करवा दिया है दूसरे जंगल में। हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। एक दिन कालू कौवे को जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से प्यार हो जाता है। दोनों कुछ दिनों तक मिलने जुलने के बाद शादी कर लेते हैं। शादी के 6 महीने बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, आप पापा बनने वाले हैं। अरे वाह भाग्यवान, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। हमें अभी से उसका नाम सोचकर रखना चाहिए। एक दिन पुलिस स्टेशन में एसपी मीरा मोर कालू कौवे को बुलाता है। इंस्पेक्टर कालू, हमारे जासूसों ने हमें यह खबर दी है कि हमारे जंगल का नेता लक्का चील किसी आतंकवादी हमले का शिकार होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर ऑन दैट। तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है और अपने हथियार को तैयार रखना, कभी भी हमला हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं पता कर लूंगा कि वह कौन है और समय से पहले मैं उसे पकड़ लूंगा। वैसे भी सुंदरवन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर ही तो है। कालू कौवा जब घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को फोन पे बात करते हुए देखता है। क्या बात है टुनटुनी, तुम किससे बात कर रही हो? अपने मायके वालों से बात कर रही हूँ पतिदेव। चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। मैंने खाना लगा दिया है, आप खाकर सो जाइए। मैं अपने मायके में कुछ जरूरी बात कर रही हूँ, फिर मैं भी सो जाऊंगी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर का ट्रांसफर नंदन वन वापस हो जाता है और वह कालू कौवे और अपनी भाभी टुनटुनी चिड़िया से मिलने उनके घर आता है। घर आकर वह देखता है कि टुनटुनी चिड़िया लगातार फोन पर बात कर रही है। अरे यार बहुत दिन हो गए तुझसे मिले। लेकिन ये तो बता, भाभी इतना ज्यादा फोन में किससे बात कर रही है? अरे बंटी, वह अपनी मम्मी से बात करती है। उसे छोड़ो,
चलो अब कहीं बाहर चलते हैं। वैसे तुम बहुत दिनों बाद आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। चलो बाहर चलकर कहीं पार्टी करते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन कालू और बंटी जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ एसपी मीरा मोर का फोन आ जाता है। इंस्पेक्टर कालू, मुझे जासूसों ने अभी अभी खबर दी है कि आज ही लक्का छीन लेता पर जानलेवा हमला होने वाला है। वो एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, तुम तुरंत वहाँ पहुँचो। दोनों लक्का चील नेता की चुनावी रैली में पहुंच जाते हैं और वहां टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ बॉस, मैंने तो सारी तैयारियां कर ली है। मैंने तो उस कौवे को ये भी बताया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि उस कालू कौवे को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। अब कल मैं उस नेता को बम से उड़ा दूंगी और यह जंगल हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। उन दोनों की बात बंटी कबूतर सुन लेता है। कालू टुनटुनी को पंडाल की तरफ बढ़ते देखता है, जहाँ लक्का चील भाषण दे रहा होता है। मेरा नाम है लक्का, मेरा वादा है पक्का, जंगल में होगा चमत्कार जब बनेगी लक्का की सरकार। सबसे भ्रष्टाचारी चिड़िया है मैं ना, आने वाले चुनाव में वोट लक्का को ही देना। अरे टुनटुनिया क्या कर रही है? यार तू विश्वास नहीं करेगा, लेकिन लक्का चील नेता को मारने वाली आतंकवादी चिड़िया टुनटुनी ही है। क्या तू ये क्या बात कर रहा है? तू पागल हो गया है? टुनटुनी चिड़िया बागी बगुला से मिली हुई है, जो इस जंगल का सबसे बड़ा आतंकवादी है। वह तेरे बच्चे की माँ भी नहीं बनने वाली है। उसने तुझसे झूठ कहा और तुझसे झूठी शादी रचाई है ताकि वह आज लक्का चील नेता को बम से उड़ा सके। मैंने कल शाम खुद उन दोनों की बात सुनी है और मैंने उसका वीडियो भी बना लिया है। टुनटुनी सुसाइड बम लेकर लक्का चील को मारने के लिए आगे बढ़ती है। टुनटुनी ये तुम क्या करने जा रही हो? रुक जाओ, मेरे सामने से हट जाओ कालू, नहीं तो मैं तुम्हें भी बम से उड़ा दूंगी। अंत में कालू कौवा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके टुनटुनी चिड़िया को गोली से उड़ा देता है और रोने लगता है। इंदौर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहती थी। पड़ोस के पेड़ में कई पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर शहरी जंगल से आया और वह टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में रहने लगा। सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले जाते हैं। डियर पड़ोसी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बंटी कबूतर है और मैं शहरी जंगल से यहाँ रहने आया हूँ। आपका हमारे पड़ोस में स्वागत है। यदि मुसीबत में कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कर लेना। इतनी जल्दी नए लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे इस कबूतर पर शक है। तुझे तो हर जगह धोखा और शक ही दिखाई देता है। एक दिन जरूर धोखा देगा ये कबूतर। लगी 100 रुपए की शर्त। चल ठीक है, लगी। कुछ ही दिन में बंटी कबूतर अपने पड़ोसियों से घुल मिल जाता है और सभी उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। एक दिन बंटी कबूतर बीमार हो जाता है और अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाता। सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले आते हैं। अरे बंटी भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये लो, मेरे घोंसले में कुछ दवाई रखी है, इसे खा लो। मेरे पास भी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। इसको खाने के बाद आप खा लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे पास तो दवाई नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हें जादू की छप्पी देने आया हूँ, उससे ही तुम ठीक हो जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दवाइयाँ यहाँ रख दीजिए, मैं डिनर करने के बाद इसे खा लूँगा। देखा, मैंने बोला था ना कि कबूतर अच्छा है। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी देखा क्या है तूने? आगे देख क्या क्या होता है। मगर अगले 2 दिन तक बंटी कबूतर की तबीयत ठीक नहीं होती। उससे मिलने सारे पक्षी फिर से आते हैं। बंटी जी, लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है।
लगता है इस जंगल की दवाइयों से मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। शहरी जंगल में कालू कौवे की दवाई से ही मैं ठीक होता था। मैंने सुना है कि उसने अपनी दवाई की दुकान की एक ब्रांच इस जंगल में भी खोल ली है। टुनटुनी चिड़िया और उसका दोस्त तुरंत कालू कौवे की दुकान जाते हैं। अच्छा हुआ आपने हमारे जंगल में भी ये दवाई की दुकान खोली है। हमारा पड़ोसी बंटी बहुत बीमार है। स्वागतम स्वागतम। अरे यह तो मेरा सौभाग्य है। यह लीजिए दवाई लीजिए और जल्दी जाइए, मरीज आपका इंतजार कर रहा होगा। दवाई खाने के बाद अगले ही दिन बंटी कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर अपने जन्मदिन पर सारे पड़ोसी पक्षियों को बुलाता है और वहाँ सब साथ में खाना खाते हैं। अगले ही दिन एक एक करके सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। डैम, मुझे लगता है कि मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। अरे भैया, हम बीमार तो नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत गैस हो रही है। मेरे प्यारे पड़ोसियों, आप डरो मत, आप जल्दी से जाकर कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ ले लो। चल निकाल मेरे 100 रुपए, ये कबूतर बहुत अच्छा है, मैं सर जीत गया। ठीक है ये ले। मीरा मोर और तोताराम कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं। आइए आइए, आज विशेष डिस्काउंट चल रहा है दवाइयों पर। 500 रुपए की दवाइयाँ लेने पर 100 रुपए की दवाइयाँ फ्री। तोताराम और मोर महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं। तुम्हारे बेवकूफ पड़ोसियों ने मुझसे खूब सारी दवाइयाँ खरीदी हैं। आज तो बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। आखिरकार हमारी योजना सफल हो गई। कुछ दिन पहले मैंने अपना झूठा जन्मदिन मनाया और वो बेवकूफ पक्षियों को सड़ा हुआ खाना मैंने ही खिलाया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। बस एक दिन और, कल की कमाई करके हम दूसरे जंगल रवाना हो जाएंगे और फिर वहाँ के पक्षियों को ठगेंगे। टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है। वह अपने पड़ोसी पक्षियों के साथ मिलकर तुरंत जंगल के पुलिस वाले लखा चील को सारी बातें बताती है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। उन धोखेबाजों ने कराया है तुम्हारा अनशन, अब मैं करूंगा उनका ऑपरेशन। सुपारी का दुश्मन होता है सरोता, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पर भरोसा। दोगे यदि किसी पक्षी को ऐसी छूट तो वह तुम्हें ले लेगा लूट। सभी पक्षियों ने लखा चील की बात मानी और अगली बार से सावधान रहने का वादा किया। चल वापस कर मेरे 100 रुपए, मैं शर्त जीत गया, और 100 रुपए तू भी दे, ये ले ले।